तो हाय गाइस, मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग जून चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, चैनल पे नया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए गाइस, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, मैंने पिक्सार को ऐप को ओपन कर लिया हूँ, ठीक है, और बैकग्राउंड को भी ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस, हम सबसे पहले जाएंगे ड्रॉ टूल में और अपने मॉडल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मॉडल को ऐड करने से पहले हम बैकग्राउंड कुछ इतना रख लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से जाएंगे हम ऐड फोटो में और यहाँ से फोटो में और अपने मॉडल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो गाइस, हमें जाना होगा यहाँ पर इस ऐड फोटो में एंड यहाँ से फोटो में। तो गाइस, मैंने मॉडल को बैकग्राउंड को पहले से इरेज करके रखा हुआ है गाइस। तो गाइस, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता। तो यहाँ से ऐड फोटो में क्लिक करता हूँ और अपने मॉडल को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, इधर हमारा मॉडल ये ऐड हो चुका है, तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको अपने मुताबिक मतलब अपने मुताबिक इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इतना मैं सेट कर लेता हूँ इसको, यहाँ से थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लूँगा, ठीक है, कुछ इतना। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लूँगा। एंड यहाँ से लेयर वाले पैनल में जाना है एंड इस थ्री डॉट में क्लिक करूँगा। एंड यहाँ से इसको मर्ज करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से इसको डन एंड इस थ्री डॉट में जाऊँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे का सेम इमेज, तो सेम इमेज कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने पिक्सार को ओपन कर लिया हूँ, तो चलिए यहाँ पे ऐड फॉर्म क्लिक करते हैं और अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने मॉडल को ऐड कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस, हमारा मॉडल इम्पोर्ट हो चुका है, तो यहाँ से ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, जब हमारा मॉडल गाइस हम इसे ओपन कर लेंगे, तो गाइस इसमें हम थोड़ा मैनुअली कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इफेक्ट वाले टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड इसमें हम टेक्सचर को माइनस करेंगे कुछ इतना एंड क्लैरिटी को प्लस करेंगे थोड़ा सा एंड हेच को थोड़ा सा प्लस एंड लुमिनेट को माइनस करेंगे, ठीक है। एंड मिड फोन को फुल माइनस कर लेंगे एंड फेदर को प्लस करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, हमें आना होगा इस ट्राइंगल वाले आइकन में एंड इसमें शार्पिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड मास्किंग को इतना एंड नॉइस रिडक्शन को इतना एंड कॉन्ट्रास्ट और कलर नॉइस रिडक्शन को भी, ठीक है। तो यहाँ से इतना एंड डिटेल को थोड़ा सा कर लेंगे कम। एंड गाइस, हमें जाना होगा कलर वाले टूल में एंड इसमें हम वाइब्रेंस को प्लस करेंगे, ठीक है, एंड सैचुरेशन को भी। एंड गाइस, हमें जाना होगा मिक्स टूल। एंड गाइस, मिक्स टूल में आ जाएंगे, बस हमें जाना होगा दूसरे कलर में एंड इसमें हम ल्यूमिनेंस को प्लस करेंगे, ठीक है, एंड सैचुरेशन को माइनस करेंगे कुछ इतना। एंड गाइस, हमें जाना होगा येलो कलर में एंड इसमें हमें सैचुरेशन को बढ़ा लेना, ठीक है, कुछ इतना। एंड ये को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ एंड ल्यूमिनेंस को प्लस करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, हमें जाना होगा ग्रीन कलर में एंड इसमें हमें सेचुरेशन को बढ़ा लेना, ठीक है, एंड ह्यू को भी बढ़ा लेना, ठीक है। तो ह्यू को मैं कुछ इतना बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा एक्वा कलर में एंड इसमें हमें सेचुरेशन को बढ़ा लेना, ठीक है। एंड गाइस, हमें जाना होगा ब्लू कलर में एंड इसमें भी हमें सेचुरेशन को बढ़ा लेना है एंड ह्यू को भी, ठीक है। एंड ल्यूमिनेंस को प्लस कर लेंगे थोड़ा सा एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लूँगा और यहाँ से भी इसको डन कर लूँगा। तो देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमारे पिक एडिट होने के बाद। तो गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हमें आना होगा इस शेयर बटन में, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ एंड यहाँ पे लिखा है सेव टू डिवाइस, तो सेव टू डिवाइस कर लेता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।